दैनिक सवेरा अंधेरे से उजाले की ओर। सिविल लाइन से कुछ दिन पूर्व अपने परिवार को बेहोश करके प्रेमी के साथ भागी युवती को थाना 4 की पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। साथ ही पुलिस ने उसके प्रेमी को भी गिरफ्तार किया है। पकड़े गए युवक की पहचान जतिन निवासी बस्ती दानिशमंदा के तौर पर हुई है। इस संबंध में SHO परमजीत सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि जतिन कुछ दिन पूर्व सिविल लाइन में रहने वाली एक लड़की को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया था। उन्होंने बताया कि युवती के मेडिकल में सामने आया है कि उसे किसी नशीली वस्तु का सेवन करवाया गया है। फिलहाल पुलिस द्वारा आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ये रैनक बाजार के कपड़े की दुकान पर काम करता से। उत्थे लड़की नीलम कपड़े वगैरह लैन वास्ते आती थी, जिते इन्हों के आपसी रिलेशन बन गए। रिलेशन बनने तो बाद ये आपस में मिलते रहे, कई बार फिल्म फुल्म देखने वास्ते जाते रहे, घरद्या की मर्जी तो बगैर चोरी जाते। उस तो बाद दोनों जाने ने प्लैन किया भी असी वैष्णो देवी कटड़ अपने इधर जम्मू कटड़ा साइड वाले घूमन ले जाना है। ये 20 तरीक न दोनों जने अपने घरों चले गए, बस फड़ के जम्मू पहुँचे, उत्थे कटड़ा गए, उत्थे वैष्णो देवी माता दे गए। उत्थे जाके 21 तरीक न दोनों ने मंदिर के विच ब्याह करा लिया। उस तो बाद लड़की ने अपने घरद्या नाल फोन पर गल की 24 तरीक न रात को, जिन्होंने उन्होंने कहा भी तू अपने घर वापस आ जा। जिन्हें कहते लड़का लड़की दोनों जने वापस आ गए। लड़की ने लड़की अदालत में जज साहब से पेश किया, जिथे वो 164 के तहत बयान हुए। लड़की ने कहा भी मैं अपनी मर्जी के नाल जतन के नाल गई सी, ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਜਤਨ ਔਰ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ। ਇੱਕ ਰਾਧਾ ਨਾਮ ਦੀ ਔਰਤ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ।